नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आज से हम एक नई प्लेलिस्ट की शुरुआत कर रहे हैं। वैसे तो सभी दर्शनों का समावेश इसमें करना था, लेकिन भारतीय दर्शन परंपरा अत्यंत विशाल और प्राचीन है, इसलिए सभी दर्शनों के लिए अलग अलग प्लेलिस्ट बनाना स्वाभाविक है। तो सबसे पहले हम दर्शनों में चर्चा करेंगे सांख्य दर्शन की, और इसका मुख्य ग्रंथ सांख्य कारिका ये विद्यार्थियों के अभ्यास क्रम में रहता है, इसलिए सबसे पहले हम इसमें लेंगे सांख्य कारिका। अब सांख्य कारिका की बात करने से पहले थोड़ा दर्शन के संदर्भ में जान लें। जीवन में प्रत्येक व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य जो है वो आनंद प्राप्ति है। मैं कई बार अपने विद्यार्थियों से पूछता हूं कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं कि अगर अच्छी तरीके से पढ़ जाएंगे तो अच्छा व्यवसाय या नौकरी वगैरह कर पाएंगे। मैं कहा उससे क्या होगा, बोले अच्छी तरीके से अर्थोपार्जन होगा। तो मैं कहा उससे क्या होगा, तो बोले हम अपने घर परिवार को सुचारू रूप से चला पाएंगे। मैं कहा इससे क्या होगा, तो बोले जीवन में सुखी रहेंगे। तो मैं कहा ये कहो कि जो कुछ भी कर रहे हो वो सुख प्राप्ति के लिए कर रहे हो, आनंद प्राप्ति के लिए कर रहे हो। तो कहते कि हाँ, अंतिम लक्ष्य तो आनंद प्राप्ति है। आप भी हमारी इस बात से सहमत होंगे कि व्यक्ति का अंतिम लक्ष्य, चाहे वो अर्थोपार्जन कर रहा हो, चाहे वो धर्मोपार्जन कर रहा हो, चाहे वो कामोपासना कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, लेकिन उसका अंतिम लक्ष्य जो है वो सुख रहता है, आनंद की प्राप्ति रहता है। लेकिन ये सबसे बड़ी इस संसार की विडंबना है कि सुख और दुख ये एक ही चक्र के दो ऐसे भाग हैं कि जीवन का चक्र घूमता रहता है और वो एक के बाद एक, एक के बाद एक हमारे जीवन में आते ही रहते हैं, हम इनसे बच ही नहीं सकते हैं। दुख है तो सुख भी होगा और सुख है तो दुख भी अवश्य आएगा। लेकिन हम सभी जानते हैं कि हमें सुख तो अच्छा लगता है, लेकिन दुख से हम भागते हैं, दुख से हम बचना चाहते हैं। और इसी का उपाय जब हमारे ऋषियों मुनियों ने ढूंढा, उन्होंने बड़े प्रयत्न किए, उन्होंने अपने जीवन का बहुमूल्य समय इसको दिया, और जिसको जो मार्ग दिखा वो उनके द्वारा देखा जाने के कारण दर्शन कहा गया। अब इनमें मुख्यतः दो प्रकार के मार्ग हैं, यानी दर्शन के मुख्य दो प्रकार हैं, एक है नास्तिक दर्शन और एक है आस्तिक दर्शन। अब नास्तिक का नाम आते ही सबसे पहले हम चार्वाक दर्शन की बात करने लग जाते हैं, लेकिन चार्वाक तो वास्तव में जिस दर्शन के सिद्धांत को मानता है ना, वो तो संसार में हर व्यक्ति के लिए स्वीकार्य है। खाओ पियो और मजा करो, यही उसका मूल सिद्धांत है। लेकिन खाओ पियो और मजा करने से आनंद की प्राप्ति और आत्यंतिक सुख की प्राप्ति नहीं होती है, इसलिए दूसरे नास्तिक दर्शनों ने भी और आस्तिक दर्शनों ने भी हमें ये मार्गदर्शन देने की कोशिश की कि किस प्रकार से हम परम सुखी हो सकते हैं, परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। और इसी परंपरा में हमारे षड दर्शन जो हैं वो हमें प्राप्त हुए, क्योंकि ऋषियों मुनियों ने इस क्षेत्र में जब बड़े अवगाहन किए, बड़ी मेहनत की और बड़े निचोड़ निकाले, तब हमें इन दर्शनों की प्राप्ति हुई। ये भारत की धरोहर है, ये हमारी संस्कृति का
सबसे बड़ा तत्व है। और इसमें बहुत बड़ा योगदान जो है वो हमारे यहां उपनिषदों ने दिया। लेकिन चूंकि वेद इत्यादि जो भी है वो आस्तिक है, वो कर्मकांड और सारी चीजों को इस प्रकार से स्वीकार करते हैं, और इस हिसाब से उपनिषद जो है वो आस्तिक दर्शनों का एक भाग बन जाता है। लेकिन दूसरी तरफ नास्तिक दर्शन भी हमें उसी प्रकार से आस्तिक दर्शनों की तरह से ही परम सुखी बनाने का मार्ग बताते हैं। और इन्हीं में से एक दर्शन है जिसको हम सांख्य दर्शन के नाम से जानते हैं। वैसे तो बड़ा ही प्रचलित शब्द जो है वो सांख्य योग, सांख्य योग, यानी योग और सांख्य का ऐसा मिश्रण हो गया इन दोनों नाम का कि सांख्य दर्शन अकेला जो विद्वान लोग हैं या पढ़े लिखे लोग हैं या संस्कृत के जानकार हैं या परंपरा के जानकार हैं वही बोलते हैं। बाकी तो किसी से बोलो तो तुरंत सांख्य शब्द के साथ योग शब्द का उच्चारण करेगा और बोलेगा कि सांख्य योग है, सांख्य योग में ऐसा कहा है। जबकि हम और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि सांख्य एक अलग दर्शन है और योग एक अलग दर्शन है। अब जरा सांख्य दर्शन की प्राचीनता की बात करें तो भागवत पुराण में कपिल मुनि की कथा मिलती है और वहां पे महर्षि वेदव्यास ने ये लिखा है कि जो कपिल मुनि हैं उन्होंने आसुरये, वैसे तो ये उनसे भी प्राचीन दर्शन है, लेकिन हुआ क्या कि समय के साथ वो विलुप्त हो गया, लेकिन कपिल मुनि ने फिर से उस दर्शन को अपनी शिष्य परंपरा में स्थापित किया। अगर आप श्रीमद् भागवत महापुराण से परिचित हैं, आपने कभी भी इस कथा को सुना है, तो वहां अवश्य ही ये जो करदम पुत्र हैं कपिल मुनि उनकी कथा आती है और उन्होंने इस दर्शन को अपनी माता के सामने भी प्रस्तुत किया है। जो उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण में आता है कि पंचमः कपिलो नाम सिद्धेशः काल विप्लुतम प्रोवाच आसुरये सांख्यम तत्वग्राम विनिर्णयम, यानी जो भगवान के 24 अवतार हैं उनमें से पांचवा अवतार कपिल मुनि के रूप में हुआ, यानी इनको भगवान विष्णु के 24 अवतार में से एक अवतार के रूप में भी माना जाता है। और जैसे हम किसी को ऋषि कहते हैं, किसी को मुनि कहते हैं, ऐसे कपिल मुनि को सिद्ध माना गया है। ये सिद्धों में सबसे श्रेष्ठ हैं, सिद्धेशा शब्द का प्रयोग किया गया इनके लिए। तो काल यानी समय के अनुसार जो विलुप्त हो गया था उस सांख्य दर्शन को इन्होंने आसुरये प्रोवाच, आसुर को उसका उपदेश दिया है और वहां से ये परंपरा आगे चली है। अब ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमें कपिल मुनि द्वारा जो रचित या उनके द्वारा कथित जो ग्रंथ है वो मिलता नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो सांख्य पर सूत्र ग्रंथ लिखा गया होगा उसके बारे में कुछ उल्लेख पाए जाते हैं कि कपिल मुनि ने जिस सांख्य शास्त्र की रचना की थी उसमें 6 अध्याय थे। प्रथम अध्याय में विषय का विवेचन किया गया था, दूसरे अध्याय में प्राकृतिक कार्यकलापों का विवेचन था, तृतीय अध्याय में विषयों से वैराग्य की बात थी और चतुर्थ अध्याय में विरक्त पुरुषाणाम, जो विरक्त पुरुष हैं, पिंगलांकुररादि वर्णिता आख्यायिका, उनसे संबंधित कुछ आख्यायिका, कुछ कथाएं कि अगर व्यक्ति विरक्त है तो किस प्रकार के व्यवहार करेगा, इसका वर्णन पाया जाता था। पांचवें अध्याय में परपक्ष, भाई हमारे यहां तो शास्त्रार्थ की परंपरा हमेशा रही है, तो जो इसके विरोध पक्ष के लोग होते हैं, जिनकी शंकाएं कुशंकाएं होती हैं, उनका विनिर्णय किया गया है, उनका समाधान किया गया। और छठे अध्याय के अंदर
सर्वार्थानाम संक्षिप्ता संग्रह प्रादर्शिता। आप इसको उपसंहार का अध्याय मान सकते हैं और सभी मुख्य मुख्य विषयों का, सभी अर्थों का इसमें समावेश हुआ था। लेकिन आज ये हमारा दुर्भाग्य है कि ये हमें ग्रंथ उपलब्ध नहीं है। आज जो उपलब्ध सबसे श्रेष्ठ ग्रंथों में से एक ग्रंथ सांख्य कारिका माना जाता है, जो ईश्वर कृष्ण की रचना है। कुछ लोग उसको उसकी जो कारिकाएं हैं वो विज्ञान भिक्षु ने लिखी हैं ऐसा भी कहते हैं। और परंपरा से ये माना जाता है कि ईश्वर कृष्ण जो हैं वो पंच सिख के शिष्य थे। तो इस पूरी परंपरा को जानने के लिए चलिए हम इसकी कपिल मुनि से प्रारंभ होने के बाद उन्होंने आसुर को इस सांख्य शास्त्र का ज्ञान करवाया है। और इस परंपरा में एक बहुत बड़े आचार्य जो हुए वो पंचसिख हुए। और पंचसिख की इस परंपरा में ईश्वर कृष्ण हुए। यहां लिखा है कपिल आसुरे सच पंचसिखाय सांख्य शास्त्रम उपदिदेश। यानी कपिल मुनि ने आसुर को ये सांख्य शिक्षा दी और उन्होंने पंचसिखाय पंचसिख को ये शिक्षा प्रदान की है। तस्माच्चा शिष्य परंपरा, और उसके बाद शिष्य परंपरा के अनुसार भगवान ईश्वर कृष्णा सांख्य शास्त्रम प्राप्तवान। भगवान ईश्वर कृष्ण को इस सांख्य शास्त्र का ज्ञान प्राप्त हुआ और उन ईश्वर कृष्ण ने सांख्य को लेकर के कारिकाएं लिखी, इसलिए इस रचना को सांख्य कारिका नाम दिया गया। अब ये ईश्वर कृष्ण कब हुए, इनका समय क्या है, अगर इसकी बात करनी हो तो ये बड़ा कठिन विषय है। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि इतिहास ये संस्कृत साहित्य की सबसे कमजोर कड़ी है। यानी संस्कृत साहित्य में अब साहित्य की जितनी बात करें वो तो उपलब्ध है, लेकिन अगर आप उसके इतिहास की बात करने लग जाएंगे ना तो वहां हमें इधर उधर बगलें झांकनी पड़ती हैं, इधर उधर मुड़ के देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त प्रमाण नहीं होते हैं। यहां आत्म प्रशंसा को, आत्मश्लाघा को बड़ा ही अयोग्य माना गया है। इसलिए कोई भी आचार्य हो, कोई भी कवि हो, अधिकांश लोगों ने अपने बारे में कभी कुछ लिखा ही नहीं। एक आध कोई बाणभट्ट जैसे हो गए जिन्होंने अपने बारे में थोड़ा कुछ लिख दिया, जो हमारे लिए मील के पत्थर बन जाते हैं, औरों के समय निर्णय में हमें उनसे बड़ा लाभ मिलता है। तो जब हम सांख्य कारिका और ईश्वर कृष्ण की बात करते हैं ना, तो यहां सिर्फ एक ही उल्लेख ईश्वर कृष्ण के बारे में प्राप्त होता है कि ईश्वर कृष्णोयम विंध्याचल पर्वतवासी समासीत। कि भाई ईश्वर कृष्ण जो है विंध्याचल पर्वत के रहने वाले थे, विंध्याचल के रहने वाले थे। इसके अतिरिक्त इनके संदर्भ में कोई भी विशिष्ट उल्लेख प्राप्त नहीं होता है। पंचसिख की शिष्य परंपरा में थे ये उल्लेख पाया जाता है, पर पंचसिख ही इनके गुरु थे ऐसा भी आप नहीं कह सकते हैं। चलिए ईश्वर कृष्ण की इतनी ही बात करने के बाद हम आते हैं सांख्य। अब ये शब्द किस प्रकार से प्रचलित है, तो कहा गया है कि संख्या प्रकुर्वते यस्मात् प्रकृतिम चा प्रचक्षते। भाई जिसमें संख्याओं का विवेचन किया जाता है, प्रकृति का जिसमें वर्णन किया जाता है, तत्वानि चा चतुर्विंशत, इसमें 24 तत्व हैं, तेन सांख्यम प्रकीर्तितम, इसलिए इसको सांख्य कहा गया है। अब आप कहेंगे कि सांख्य में तो 25 तत्वों का विवेचन है, यहां चतुर्विंशति, तो यहां जो प्रकृति के साथ 24 हैं और जो पुरुष है वो 25वां है, तो संख्या की दृष्टि से 25 संख्यात्मक यहां तत्वों का विवेचन है, इसलिए इसको संख्या के आधार पर सांख्य कहा गया। और चूंकि ईश्वर कृष्ण ने उन तत्वों का जो वर्णन किया, उसके जो सिद्धांतों का वर्णन किया वो कारिका निबद्ध है, इसलिए इस रचना का नाम सांख्य कारिका हुआ।
अब समय के निर्णय की बात करनी हो कि ईश्वर कृष्ण कब हुए, सांख्यकारिका कितनी प्राचीन है, तो जैसा कि हमने आपसे कहा कि सांख्य दर्शन तो बहुत प्राचीन है, यानी आप ये मान सकते हैं कि प्राचीनतम जो दर्शन है उनमें से एक सांख्य है। महाभारत में भी इसका उल्लेख पाया जाता है, श्रीमद् भगवद गीता में भी इसका उल्लेख है जो महाभारत का एक भाग है, और इसका उल्लेख जो है स्वयं शंकराचार्य ने भी इसका उल्लेख किया है। तो ये इनसे सबसे प्राचीन है। और एक प्रमाण ये भी है कि वाचस्पति मिश्र, जिनका खुद का समय 898 विक्रम संवत माना जाता है, उन्होंने भी सांख्य कारिका के ऊपर, उन्होंने सभी छह दर्शनों के ऊपर अपनी टीकाएं लिखी हैं और सांख्य कारिका पे भी टीका लिखी है। अब जब हम सांख्य दर्शन की बात करते हैं तो चूंकि यहाँ ईश्वर की सत्ता का स्वीकार नहीं होता है, चूंकि यहाँ बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आस्तिक दर्शन में होती हैं वो नहीं पाई जाती हैं, इसलिए इसका समावेश नास्तिक दर्शन में होता है। यहाँ जो तत्व हैं, पंच भीर ब्रह्मन, चतुर्भी दस भीस तथा एत चतुर्विंशतिकम गणम प्राधानिकम विदु, इसमें 24 मुख्य तत्व हैं, पांच जिनको हम पंच महाभूत कहते हैं, फिर पंच तन्मात्राएं हैं, हमारी पंच ज्ञानेंद्रियां हैं, हमारी पंच कर्मेंद्रियां हैं, ऐसे चार तो ये पंचक हो गए, तो 20 तो ये हो गए, और फिर प्रकृति के साथ में उससे उत्पन्न होने वाला महत्त्व जिसको आप बुद्धि भी कहते हैं, इसके बाद अहंकार तत्व और मन, ये चार और हैं, तो 20 और 4 24, और 25वां तत्व जो है वो पुरुष माना गया है। तो इस प्रकार से इन 25 तत्वों का समावेश जिसमें है उसको सांख्य दर्शन कहा जाता है, और चूंकि इन्हीं का वर्णन ईश्वर कृष्ण ने कारिका के रूप में किया है, इसलिए ये रचना जो है वो सांख्य कारिका के रूप में जानी जाती है। चलिए अब हम सांख्य कारिका के जो विविध सिद्धांत हैं उन सब का विवेचन आगे से सांख्य कारिका के वीडियो में करेंगे, और सबसे पहले जो इसका विषय प्रवेश है, प्रास्ताविक जो पहली दो कारिकाओं में वर्णन है उसको हम लेंगे। तो धन्यवाद। सांख्य कारिका के सरल और उत्तम ज्ञान के लिए हमारे ये वीडियो देखते रहिए। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और जो बेल आइकॉन है वो इसलिए दबाइए क्योंकि इस चैनल से अगर आप जुड़े हैं तो इसके नोटिफिकेशन तो आपको मिले, जिससे नित्य प्रति सुबह 7 बजे किस विषय पे वीडियो आया है आप उसका आनंद ले पाए, तो आनंद लीजिए। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने साथी मित्रों के साथ इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास।